ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां नौतपा के दूसरे दिन भीषण गर्मी 44.4 डिग्री पहुंचा तापमान। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां बेहतर इलाज के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। और बताएंगे कैसे मुजफ्फरनगर में मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ एवं मारपीट की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगर मालवा से है। यहाँ भीषण गर्मी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नौतपा प्रारंभ होने के बाद से ही सूर्य देवता ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नौतपा के दूसरे दिन आज 44 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है, जिसके चलते गर्म हवाओं से जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। धूप में बाहर आने जाने से लोग कतरा रहे हैं। इस तापमान में लू लगने की संभावना अधिक है। बाहर आने जाने से हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ी है। जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। आवश्यक कार्य होने पर ही पेट खाना खाकर और तरल पदार्थ का सेवन कर शरीर को ढककर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। वहीं भीषण गर्मी के चलते मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत भवन अमाव की है। यहां आरके इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च एंड हॉस्पिटल यदुपुर भभुआ के द्वारा निशुल्क जांच शिविर के माध्यम से डॉक्टरों द्वारा जांच कर निशुल्क दवा का वितरण किया गया। यहां क्षेत्रीय महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज के लिए पटना, दिल्ली, वाराणसी जाने की ज़रूरत नहीं है। यादवपुर में चिकित्सा संबंधी सारी सुविधाएँ एम्बुलेंस सेवा के साथ उपलब्ध हैं। ये आज दूसरा कैंप लगा था। अगला कैंप इसी सप्ताह बृहस्पतिवार को पंचायत सरकार भवन खरेंदा में लगेगा। यहाँ सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मरीजों का निशुल्क जांच और इलाज किया जाएगा। मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर निशु सिंह, डॉक्टर संजय कुमार सनी, शुक्ला प्रबंधक राजेश कुमार, प्रियंका कुमारी, ओम प्रकाश राम, मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार राम सहित सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद रहे। आपके क्या नाम पड़ी? फूला देवी। कहाँ आई बनी? आई बनी इस लगल बा पंचायत भवन में से निकल आई। शिविर ना दवाई के ऐसा बोल रहे हैं दवाई के। का माने कौच का दिक्कत परेशानी रहे? कान ले सुनात देखे तो सुनो हट बाठे में दर्द बा। ये सब का शिविर में का माने इगुल करता जा ते बीपी चेक करता मन जा, खून निकाल के खून चेक करता मन जा, वजन करता मन जा। दवा वाले ले जरूर सब। हां दवा ले बढ़िया से चेक को ले वहां जा। आरके हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग निःशुल्क शिविर लगाए हैं। समाज में जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी माताएं हैं, जो कुछ डिजीज होते हैं, जो दूरी होने के कारण डॉक्टर नहीं पहुंचने के कारण नहीं वो पहुंच पाते, तो हमारे जो संस्थापक महोदय हैं और जो हमारे संस्था का मानना है कि हम समाज तक पहले पहुँचे और क्या व्यवस्था हम समाज को प्रोवाइड कर सकते हैं एक निःशुल्क, और एक जब उनको ऐसी जरूरत पड़े हॉस्पिटल का, जब वो हॉस्पिटल खोजते हैं तो उनके पास में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हमारा आरके हॉस्पिटल हमारे समाज के लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है सर। जी, आपका मुख्य हॉस्पिटल है कहाँ? ये हमारा DAV स्कूल जद्दूपुर के ही कैंपस में ये हमारा हॉस्पिटल है सर। सारी सुविधाएं हैं? सारी सुविधाएं अवेलेबल है सर। और हमारे संस्थापक महोदय का मानना है कि जो सरकार सुविधा देती है उसी के पैरेलल एक सुविधा जो 24/7 मिले, और साथ ही साथ हमारा आगे का जो प्लान है उसमें हम सर आयुष्मान भारत को भी अपने यहाँ परमिशन करने वाले हैं। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, जिससे और भी समाज के जो भी तकवे के लोग हैं, जो आयुष्मान होने के साथ होता है और वो लॉन्ग डिस्टेंस दूरी करके UP जाते हैं, आने जाने का किराया भाड़ा लगता है, वो भी उनका बचे और साथ ही साथ एक अच्छा सुविधा उनको प्रदान हो हमारे संस्थापक महोदय दिनेश सिंह के द्वारा और हमारे हॉस्पिटल के द्वारा। सर, ये यहाँ किस चीज़ का शिविर लगा हुआ? यहाँ पे हम लोग आरके इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एंड हॉस्पिटल सैथा जद्दूपुर के तरफ से हम स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं, जिनमें हम ब्लड शुगर का जांच कर रहे हैं, BP का जांच कर रहे हैं, और उसके बाद हल्का फुल्का बुखार का, सर्दी का, जुकाम का, और कोई अगर शुगर है और भी कोई जैसे गंभीर बीमारियां हैं तो उनके बारे में हम नोट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले।
तो ये तो शिविर यहाँ लगाए हुए हैं, अगर कोई सीरियस पेशेंट मिलता है मान लीजिए लंबित बीमारी से होती है तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? उसके लिए हमारा एम्बुलेंस बाहर खड़ा है अस्पताल का, आरके इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल का। जस्ट आप बाहर की तरफ देखेंगे खिड़की के बाहर तो हमारा एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट के साथ, जिसमें कि ऑक्सीजन की सुविधा है, नेबुलाइजर की सुविधा है और इमरजेंसी दवाइयाँ की सुविधा है और फर्स्ट एड भी रखे हुए हैं। तो क्या करते हैं कि हम ये मुफ्त सेवा दे रहे हैं आवागमन की, और हमारे साथ हम डॉक्टर साहब हैं और हमारे कंपाउंडर भी रहते हैं, और उनको इस वैसे अगर सीरियस मरीज रहते तो हम उनको ले जाकर तुरंत उपचार अपने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आपका स्थायी हॉस्पिटल कहाँ है सर? हमारा स्थायी हॉस्पिटल हुआ आरके इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सैथा जद्द। सर ये आपका कौन सा कैंप है, दूसरा कैंप है आपका कौन सा? ये हमारा दूसरा कैंप। अच्छा, नेक्स्ट के बारे में हम एक दो दिन में आपको कॉल करके सुनेंगे। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा शुभ नाम डॉक्टर संजीव। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ट्विंकल कुमारी नाम है सर। ट्विंकल कुमारी, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ सब आए हॉस्पिटल सर, देख रहे करने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, जांच कर रहे हैं सर, जो दिक्कत होगा उसका इलाज कर रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं सर। अच्छा, क्या पैसा भी लग रहा है? नहीं पैसा नहीं लग रहा है सर, बिल्कुल फ्री मुफ्त में हो रहा है। मुफ्त हो रहा है, अच्छा कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, हमें खुशी हुई कि हमारे गाँव में ये लोग आए, हमको सुविधा दिए। और कोई डॉक्टर नहीं आए थे ना यहाँ? एक बार आए थे, उधर आए थे, पहली बार हम आए हैं यहाँ, पहली बार है तो पहली बार देखे सर। आपके गांव से हॉस्पिटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितना दूरी है? रामपुर, रामपुर वही 12-15 किलोमीटर है। तो आप लोग का सुविधा होता होगा जाने में? हाँ, हम लोग को एकदम सुविधा है, एकदम 5-15 मिनट में पहुँच जाते रामपुर। अच्छा, वहाँ वहाँ जाना पड़ता था एक वो, और यहाँ तुम्हारे घर पर आकर के इलाज किया जा रहा है, दोनों में से कौन अच्छा है? जो घर पे आ रहे वही तो सबसे अच्छा है, जो एक जाना पड़ता था वहाँ पर, एक यहाँ पर आकर हम लोग को सेवा कर रहे थे, कितने बड़ी खुशी की बात है। क्या नाम हुआ तुम्हारा बेटा? सुहानी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बिलारी नगर और क्षेत्र के लोग बढ़ती गर्मी के हाल से बेहाल हैं। वहीं गर्मी का पारा बढ़ते ही बिजली विभाग की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बिजली घर में लगे ट्रांसफार्मर इस कदर गर्म हो चुके हैं कि उन पर बिजली विभाग के कर्मचारी पानी डालकर ठंडा करते दिख रहे हैं। बिजली घर पर रखे ट्रांसफार्मर का तापमान लगभग 90 डिग्री के ऊपर जाने पर अलार्म बजाकर और कर्मचारियों को ट्रांसफार्मर बंद करके पानी डालकर ठंडा करना पड़ा। बिजली विभाग पूरी कोशिश में लगा है कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करके लोगों तक बिजली पहुँचाई जा सके। देखना यह होगा कि बिजली विभाग कोई नया रास्ता निकालेगा जिससे बिना किसी ट्रिपिंग के लगातार लोगों तक बिजली पहुंचाई जा सके और लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। कहां पर कर रहे थे आप? मैं बिलारी टाउन पे कार्यरत हूं। तो ये जैसे कल से बिजली की काफ़ी किल्लत चल रही है परसों से जी, और अब ये पानी नहीं डाले जा रहा है, क्या मामला हुआ? एक लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर हम नहीं बढ़ने दे सकते ट्रांसफार्मरों की, इस वजह से इसको पानी डाल करके इसके फिंस पे ठंडा किया जा रहा है। उसके लिए आदेश ऊपर से ही मिले थे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ठंडा रखने में कामयाब रहेंगे उतना ही आसानी से बिजली लगातार चलती रहेगी। कितने टेम्परेचर पर आप बिजली ऐसे आउट दे सकते हैं? नहीं, हम 65-70 से ऊपर नहीं होने देते हैं उसको, ये है। फिलहाल इस समय कितना टेम्परेचर होगा इनका? हमें पानी उन्हें डाल करके इसको 50 डिग्री सेल्सियस से कम किया है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना के क्षेत्र के काजिंदा चौक के पास एक मिठाई दुकान में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई है। इस दौरान दुकान के स्टाफ और मालिक को जमकर पिटा गया। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। मनियारी पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। दुकान करके तोड़फोड़ सारा किया है और मारा है। कौन मारा है? राम कुमार साह और धीरज कुमार, शांत कुमार, तीनों बाप बेटा भाई है, बाप तीनों आ करके मारपीट किया है। सारा काउंटर तो फोड़ फाड़ कर दिया, लूट लाट लिया है, और सारा लूट उट के उसको बाद मनियारी थाना वाला देखाफ्टी में ले गया, उसको रास्ता में छोड़ दिया, और रुपया बहुत दिए हुआ है मनियारी थाना वाला को। उल्टे मेरा ही बर्बाद हुआ, उल्टे मेरा पति को भी थाना में उठा के रखे हुआ। उन लोगों को छोड़ दिया है? उन लोगों तीनों को छोड़ दिया है? हाँ, उन तीनों को छोड़ दिया। क्या नाम हुआ आपका? नीलू देवी। आप कौन हुए? उनको
बेटी है, बाप बेटी हूँ, बाप है मेरा राम कुमार साहब। दुकानदार की कौन? दुकानदार हम हैं। आप दुकानदार हैं? जी। आप ही का दुकान है? जी मेरा दुकान है। संजय साहब कौन है? संजय साहब पति है। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र के रोकड़ी गांव में देर रात दलित की भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण कर रहे दबंगों पर दलित परिवार के लोगों को रोकना पड़ा भारी। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। दलित परिवार से 3 महिलाएं घायल, दूसरे पक्ष से भी लोगों को आई चोट। मारपीट की सूचना पर हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां एक महिला की हालत नाजुक है। दोनों पक्ष की तरफ से तहरीर दी गई है। पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।